Now this is lecture 4th, class 12th, math, chapter 7, differentiation. Differentiation of inverse trigonometric function. इस lecture के अंदर हम study करेंगे differentiation of inverse trigonometric function. हमने 11th में पढ़ा था limit extends to 0 sin inverse x by x क्या होता था हमारा 1. Similarly, limit extends to 0 tan इनवर्स x by x भी क्या होता था हमारा 1. और थर्ड पार्ट क्या होता था, लिमिट extends to 0 cos इनवर्स x इज आल्सो इक्वल टू 1. लिमिट extends to 0 sin इनवर्स x by x क्या होता है हमारा 1 होता है. बी लिमिट extends to 0 tan इनवर्स x by x भी कितना होता है हमारे पास, वैल्यू क्या होती है 1 होती है. और लेक्चर पार्ट क्या होता है, लिमिट extends to 0 cos इनवर्स x इज आल्सो इक्वल टू द 1. Now we are talking about the some more inverse trigonometric formulae which we will discuss in this lecture. First होता है, अगर y हमारा क्या हो, sin inverse x, y is equal to sin x, तो differentiation क्या होता था, cos x. लेकिन अगर y क्या हो, sin inverse x, तो dy by dx क्या होता है, sin inverse का 1 by under the root of 1 minus का x square, 1 by under the root of 1 minus का x square, where x belongs to minus 1 to 1 open interval, where x belongs to minus 1 to 1 open interval. Clear bhai? Next one, dusra hamara formula, y is equal to cos inverse x. To y ka kya hota hai, dy by dx. Cos inverse ka kya hota hai, minus ka 1 by under the root of 1 minus ka x square, where x belongs to minus 1 to 1. Jahan pe x belongs kya hota hai, minus 1 se lekar 1 तक बिलोंग करता है, x belongs to minus 1 to 1. ये हमारा first, ये second है. Third one क्या होता है, y is equal to tan inverse x. y का क्या होता है, dy by dx. tan inverse का differentiation क्या होता है, 1 by 1 plus का x square. tan inverse का क्या होता है, 1 by 1 plus का x square होता है. Fourth one part, अगर हमारे पास क्या हो, y is equal to cot inverse x, तो dy by dx, cot inverse कहता है, minus का 1 by 1 plus का x square. Next one, fifth, y is equal to secant inverse x, तो y का क्या होगा, dy by dx, और secant inverse का formula क्या होगा, 1 by x under the root of x square minus 1, 1 by x under the root of x square minus 1, clear ना. और लास्ट वन हमारा बचता है इसके अंदर सिक्स फॉर्मूला, y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, तो y का dy by dx, कोसिकेंट के लिए माइनस का 1 by x अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1. दीज आर द फॉर्मूले व्हिच वी विल यूज इन दिस एक्सरसाइज. फर्स्ट वन, y इज इक्वल टू sin इनवर्स x, sin इनवर्स का डिफरेंशिएशन करता है 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर, cos इनवर्स का माइनस का sin आ जाएगा, माइनस का 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस का x स्क्वायर. y is equal to tan inverse x क्या होता है, 1 by 1 plus का x square, y is equal to cot inverse x क्या होता है, minus का 1 by 1 plus का x square. और y is equal to secant inverse x का क्या होता है भाई, secant inverse x का dy by dx, 1 by x under the root of x square minus 1, और cosecant का क्या होता है, minus का 1 by x under the root of x square minus 1. Now we will use some more formulae. और formulae क्या है जिनका हम यूज करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं, सम मोर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले व्हिच वी विल यूज इन दिस एक्सरसाइज, ये इन दिस चैप्टर. फर्स्ट वन क्या है, tan 2x. tan 2x का फॉर्मूला, tan की फॉर्म में क्या होता है, 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर x. tan 2x क्या होता है, 2 tan x डिवाइड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर x. tan 2x का दूसरा फॉर्मूला भाई, sin 2x का. sin 2x का क्या होता है, 2 tan x डिवाइड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर x. तीसरा, sin 2x के बाद किसका आता है, cos 2x का. cos 2x का क्या होता है, 1 माइनस का tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर x, 1 माइनस का tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर x. फोर्थ वन फार्मूला हमारा, फोर्थ वन, 1 प्लस का cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x. जब 1 प्लस cos x होगा तो एंगल क्या हो जाएगा, x / 2 हो जाएगा, फर्क इतना होता है. 1 माइनस का cos 2x, 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x. अगर 1 माइनस cos x हो तो 2 sin स्क्वायर x / 2 हो जाएगा, एंगल क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है. नेक्स्ट वन भाई,
सिक्स्थ फॉर्मूला, वन प्लस का साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स वन प्लस कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि कोस 90 माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स। नेक्स्ट वन, वन माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स क्या होता है फिर से वही कोस पाई बाई टू माइनस का एक्स, तो वन प्लस साइन एक्स इसमें चेंज होगा, वन माइनस साइन एक्स इसके अंदर चेंज होगा। उसके बाद फॉर्मूला नंबर एट, अगर हमारे पास क्या हो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स है, तो अगर प्लस है तो वन प्लस का टेन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस का टेन एक्स। नेक्स्ट वन नाइन्थ फॉर्मूला, अगर हमारे पास क्या हो टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स हो, तो प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, वन माइनस टेन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस का टेन एक्स। फॉर्मूला नंबर टेन, टेन फॉर्मूला दसवां फॉर्मूला हमारा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ये क्या होता हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस का एक्स वाई, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस। लास्ट फॉर्मूला इलेवंथ फॉर्मूला हमारा, टेन इनवर्स एक्स माइनस का टेन इनवर्स वाई, ये क्या होता है टेन इनवर्स नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। दीज आर द सम ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले विच वी विल यूज इन दिस एक्सरसाइज एंड दे आर नेसेसरी फॉर दिस एक्सरसाइज, ये बहुत जरूरी है एक्सरसाइज के लिए, तो पहले आपको ये लर्न होने चाहिए सारे फॉर्मूले, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज को करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.3 डिफरेंशिएशन चैप्टर, स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज हमारी। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इन फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, उसके बाद इनको लर्न करके एक्सरसाइज कर सकते हो स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x की क्यूब, तो y का क्या होता है भाई dy वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1 बाई वन प्लस का एक्स स्क्वेयर यानी 2x की क्यूब का स्क्वेयर। उसके बाद d बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन किसका करना है 2x की क्यूब का, क्लियर ना, तो dy वाई बाई डी एक्स 1 बाई वन प्लस दो दूनी 4x की 3 और 3 6, अब इसका डिफ्रेंशिएशन पावर आ गया आएगी 3 और 3 में से एक जो आएगा 3x स्क्वेयर और x का 1। मैं आपको एक बार खोल के समझा रहा हूँ पूरे क्वेश्चन को, ताकि अगले क्वेश्चन में जल्दी जल्दी करूँगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए और वीडियो भी लंबी ना हो। डी वाई बाई डी एक्स 3 दूनी 6, 6x स्क्वेयर बटे 1 प्लस 4x की पावर 6। आंसर चेक करते हैं 7.3 का फर्स्ट हमारा 6x स्क्वेयर बटे 1 प्लस का 4x की 6, आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू कोस इनवर्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है कोस इनवर्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। चलो स्टार्ट करते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोस इनवर्स कोस साइन एक्स वैसे क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है कोस 90 माइनस एक्स इज द साइन एक्स, क्लियर, कोस 90 माइनस एक्स, कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो वाई क्या हो जाएगा पाई बाई टू माइनस का एक्स, तो वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है जीरो, एक्स का वन तो माइनस का वन, माइनस का वन आंसर आ जाएगा हमारे पहले का दूसरा पार्ट ये माइनस वन। इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो, कोस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का साइन स्क्वेयर एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, उससे भी हो जाएगा, करके दिखाऊंगा मैं आपको। चलो कर देता हूँ ये क्वेश्चन आपका, वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या है कोस इनवर्स साइन एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, कोस इनवर्स क्या होता है माइनस का वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस एक्स, वन माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है कोस स्क्वेयर, और अनरूट से बाहर क्या आएगा कोस एक्स, कोस एक्स से कोस एक्स कट गया, आंसर क्या आया माइनस वन, ये हमारा दूसरा मेथड था। फिर नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर थर्ड, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस अंडर द रूट ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस अंडर द रूट ऑफ एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स क्या होता है वन बाई वन प्लस का एक्स स्क्वेयर, तो
तो कोस स्क्वेयर अंडर रूट एक्स, उसके बाद कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन अंडर रूट एक्स, उसके बाद अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई टू अंडर रूट एक्स। दोबारा ध्यान दे, पहले टेन इनवर्स का डेरिवेटिव करना है, टेन इनवर्स का वन बाई वन प्लस का एक्स स्क्वेयर यानी कोस स्क्वेयर अंडर रूट एक्स, उसके बाद कोस का माइनस साइन अंडर रूट एक्स, उसके बाद अंडर रूट एक्स का वन बाई टू अंडर रूट एक्स। तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आंसर क्या आया माइनस साइन अंडर रूट एक्स, नीचे क्या आया टू अंडर रूट एक्स वन प्लस का कोस स्क्वेयर अंडर रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट था ये हमारा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर फोर्थ। वाई इज इक्वल टू साइन टू साइन इनवर्स एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन टू साइन इनवर्स एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करें, इसका एक आसान तरीका है, पहले चेक कर लेते हैं आंसर। इससे पहले वाले का आंसर क्या था हमारा माइनस साइन एंड रूट एक्स टू एंड रूट एक्स वन प्लस को स्क्वेयर एंड रूट एक्स, आंसर क्या हमारा बिल्कुल सही है। इसको करते हैं अब हम वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस टू साइन इनवर्स एक्स टू एज इट इज, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो हमारे पास क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स टू कोस टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द आंसर, चेक लेते हैं इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट टू कोस टू साइन इनवर्स एक्स अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट की बात करें। फर्स्ट का फिफ्थ कोट कोस इनवर्स एक्स, तो वाई क्या होता है हमारा कोट कोस इनवर्स एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, कोट क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स क्या होता है माइनस का वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर। तो वाई का डेरिवेटिव तो हमारा हो चुका है, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, ऊपर क्या हो जाएगा हमारा कोसिकेंट स्क्वेयर कोस इनवर्स एक्स, नीचे क्या आएगा अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर। चेक योर आंसर, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट आंसर इज करेक्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सिक्स। एंजॉय ना क्वेश्चन, मजेदार है ना, आसान है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सिक्स, डिफरेंशिएशन इज सो इजी। वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं कोट इनवर्स को, वाई का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, कोट इनवर्स का माइनस का वन बाई वन प्लस का एक्स स्क्वेयर यानी वन माइनस एक्स बटे वन प्लस एक्स पूरे का होल स्क्वेयर। इसको क्या लगाएं यू प्लस वी, तो वन प्लस एक्स का स्क्वेयर वन प्लस एक्स एज इट इज, वन का डेरिवेटिव जीरो माइनस एक्स का माइनस वन माइनस ऊपर वाला एज इट इज वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन का जीरो, एक्स का क्या होगा वन। क्लियर ना, तो हमारे पास क्या है भाई डी वाई बाई डी एक्स, टेक द एलसीएम स्क्वेयर है स्क्वेयर लेंगे तो एलसीएम माइनस का वन प्लस का एक्स स्क्वेयर ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा वन प्लस एक्स का स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स का स्क्वेयर, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस का वन माइनस का एक्स और माइनस का वन माइनस माइनस प्लस का एक्स, वन प्लस एक्स पूरे का स्क्वेयर, इससे काट दिया एक्स से एक्स काट दिया। तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 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 का एक और एक दो, इनको खोलते हैं वन प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स, तो टू एक्स से टू एक्स कैंसिल आउट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, एक और एक दो प्लस एक और एक दो एक्स स्क्वेयर, दो दो कॉमन वन प्लस एक्स स्क्वेयर, दो से दो काट दिया डी वाई बाई डी एक्स वन बाई वन प्लस का एक्स स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट नंबर सिक्स आंसर चेक करते हैं, आंसर इज करेक्ट फर्स्ट का सिक्स पार्ट। क्लियर ना भाई ये क्वेश्चन भी,
Now we will talk about the next one question. Simple tha, cot inverse ka formula lagaya, take the LCM and solve to it. Now second question part was first part. Question number second, part number first. Y हमारे पास क्या है? Cot inverse 1 plus cos x divided by sin x. पहले इनको तोड़ के solve करेंगे. Y is equal to cot inverse 1 plus cos x क्या होता है? 2 cos square angle का था 2 cos x 2 cos square x by 2 sin x क्या होता है 2 sin x by 2 cos x by 2 2 से 2 कट गया 1 cos से 1 cos कट गया तो y हमारे पास क्या आया cot inverse cos by sin क्या होता है cos by sin क्या होता है cot x by 2 cot x by 2 cot से cot cancel out तो y क्या होता हमारा x by 2 तो y का derivative क्या होगा dy by dx तो x by 2 का कितना हो जाएगा 1 by 2 तो question number 2 का first part check your answer 1 by 2 now question number तो हमारा क्या था ये first part था dy by dx x by 2 तो dy by dx y क्या था cot inverse था 1 plus cos x क्या होता है 2 cos square x by 2 sin x क्या होता है 2 sin x by 2 cos x by 2 होता है तो ये हमारा क्या हो गया था cancel out 2 से 2 कटा था 1 cos से cos cos by sin cot x by 2 cot से cot x by 2 dy by dx लिखना है 1 by 2 क्लियर नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड पार्ट हमारा y is equal to tan inverse sin x बटे 1 प्लस का cos x y का एज इट इज रखो पहले इसको तोड़ लेते हैं फिर से वही sin x क्या होता है 2 sin x by 2 cos x by 2 1 plus cos x क्या होता है 2 cos square x by 2 2 से 2 cancel out 1 cos से 1 cos cancel out तो y क्या है हमारे पास sin by cos tan x by 2 तो tan से tan cancel out तो y हमारे पास क्या है x by 2 y का derivative dy by dx x by 2 का derivative 1 by 2 तो question number 2nd का second part भी क्या है 1 by 2 now we are talking about question number 2nd third part question number 2nd third part y is equal to tan inverse under the root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x solve करते हैं इसको भी y is equal to tan inverse square root में 1 minus cos x क्या होता है पहले 2 sin square angle का half x by 2 1 plus cos x क्या होता है 2 cos square angle का half 2 cos square x by 2 क्लियर ना तो y is equal to tan inverse 2 से 2 cancel out sin by cos क्या होगा हमारा tan square x by 2 तो square and root cancel out तो y is equal to tan inverse 10 x by 2 10 से 10 cancel out तो y is equal to x by 2 तो y कितना आया हमारा 10 से 10 करने के बाद x by 2 तो y का क्या हो जाएगा dy by dx और x by 2 कितना हो जाएगा 1 by 2 check your answer answer is correct now question number second fourth part y is equal to cos inverse under the root of 1 plus का cos 2x by 2 1 plus का cos 2x by 2 अब इसको खोल लेते हैं यहीं पे cos inverse 1 plus cos 2x क्या होता है 2 cos square x by 2 2 से 2 cancel out तो y is equal to cos inverse अब cos square x है under root से बाहर क्या आएगा only cos x under root से बाहर क्या आएगा 2 से 2 कट गया क्या बचा cos square x और बाहर क्या है square root तो square root से बाहर क्या आएगा only cos x तो cos से cos cancel out यानी y is equal to x अगर y x के बराबर है तो dy by dx कितना हो जाएगा x का 1 x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 होता है चेक योर आंसर फोर्थ का 1 आंसर इज करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर फिफ्थ y is equal to cot inverse under the root of 1 plus का cos 3x और 1 minus का cos 3x solve करते हैं इसको फिर से वही y is equal to cot inverse 1 plus cos 3x क्या होता है 2 cos square angle का half 3x by
टू, वन माइनस कोस एक्स का था टू साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ थ्री एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स कोस स्क्वेयर वाई साइन स्क्वेयर क्या होता है कोट स्क्वेयर थ्री एक्स बाई टू, तो स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल आउट, तो वाई के बाहर क्या आएगा कोट इनवर्स कोट थ्री एक्स बाई टू, कोट से कोट कैंसिल, y इज इक्वल टू थ्री एक्स बाई टू, वाई क्या कहता है डी वाई बाई डी एक्स थ्री बाई टू, एक्स का क्या हो जाएगा वन, तो थ्री बाई टू, सेकेंड का फिफ्थ पार्ट भाई थ्री बाई टू करेक्ट आंसर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड का पार्ट कौन सा भाई सिक्स, इजी इजी क्वेश्चन हमारे, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो कोस से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो वाई इज इक्वल टू कोस से डिवाइड करें कोस बाई कोस माइनस का वन साइन बाई कोस क्या हो जाएगा टेन एक्स, कोस बाई कोस वन प्लस साइन बाई कोस टेन, दोनों हमने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया कोस से, कोस बाई कोस वन साइन बाई कोस टेन, कोस बाई कोस वन साइन बाई कोस टेन। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, वी नो दैट ऊपर माइनस है तो क्या आ जाएगा टेन पाई बाई फोर माइनस का एक्स, टेन से टेन कैंसिल आउट, वाई इजिकल टू टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, टेन से टेन कैंसिल आउट, तो वाई कितना हो गया हमारे पास फोर पाई बाई फोर माइनस एक्स, तो वाई कितना आया पाई बाई फोर माइनस एक्स, नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो वाई का क्या हो जाएगा भाई डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई फोर का जीरो एक्स का वन, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास कितना है माइनस का वन आंसर। चेक योर आंसर सेकंड का सिक्स पार्ट करेक्ट है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन सेवंथ पार्ट, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर रूट में वन माइनस साइन एक्स वन प्लस साइन एक्स। अब इसका तरीका हमने फॉर्मूले लिखे थे पीछे, तो वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स साइन क्या होता है कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर से वन प्लस साइन क्या होता है कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, तो वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स वन माइनस कोस क्या होता है टू साइन स्क्वेयर एंगल का हाफ पाई बाई टू का पाई बाई फोर एक्स का एक्स बाई टू, नीचे भी टू कोस स्क्वेयर पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स साइन स्क्वेयर बाई कोस स्क्वेयर क्या होता है टेन स्क्वेयर, स्क्वेयर से रूट कैंसिल आउट, तो वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंदर क्या आया भाई टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, कलिए ना। अब हमारे पास तो टेन की फॉर्म में है और हमें चाहिए किसी फॉर्म में कोट में, तो टेन क्या होता है कोट नाइन्टी माइनस थीटा, कोट इनवर्स कोट पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू, कोट से कोट कैंसिल आउट, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर क्या बचेगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई फोर जीरो एक्स बाई टू का वन बाई टू, वन बाई टू। नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड का एट्थ पार्ट, लास्ट पार्ट हमारा है सेकेंड क्वेश्चन का एट्थ पार्ट, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, इसको भी तोड़ लेते हैं, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स सिकेंट क्या होता है वन बाई कोस एक्स, टेन एक्स क्या होता है साइन एक्स बाई कोस एक्स, टेक द एलसीएम, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एलसीएम लेंगे तो वन प्लस साइन एक्स बाई कोस एक्स, फिर से तोड़ लेते हैं, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स फॉर्मूला बनाने के लिए साइन क्या होता है कोस पाई बाई टू माइनस एक्स, और कोस क्या होता है साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। अब फॉर्मूला चेंज करेंगे, वन प्लस कोस क्या होता है टू कोस स्क्वेयर एंगल का हाफ, और साइन क्या होता है टू साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू यानी एंगल का हाफ, तो बनाते फॉर्मूला भाई, स्टार्ट करते हैं हम आगे इसको क्वेश्चन को, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स
वन प्लस क्या कर रहे हैं हमारे पास कोस था, तो टू कोस स्क्वायर एंगल का पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, और यहाँ पे क्या करना जाएगा टू साइन एंगल का हाफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू और कोस पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, एक कोस से एक कोस कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, तो वाई क्या आया टेन इनवर्स कोस बाई साइन क्या होता है कोट पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू। अब कोट को टेन में चेंज करेंगे वही 90 डिग्री में से कटा देंगे, कोट क्या होता है टेन पाई बाई टू माइनस थीटा, तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू, टेन से टेन कैंसिल आउट, तो वाई कितना आया पाई बाई टू कटा पाई बाई फोर कितना आएगा पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई फोर का जीरो प्लस एक्स बाई टू का वन बाई टू, वन बाई टू। सेकेंड का एट्थ पार्ट वन बाई टू बिल्कुल करेक्ट है आंसर हमारा। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट पार्ट हमारे पास y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का x के u डॉट v से करते हैं, y का क्या होगा पहले dy बाई डी एक्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर नीचे वाले का स्क्वेयर नीचे वाला एज इट इज x, u डॉट v लगाएंगे साइन इनवर्स का वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का कितना हो जाएगा वन माइनस ऊपर वाला पार्ट एज इट इज नीचे वाले पार्ट का रूट वाले का वन बाई टू अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर का क्या आएगा माइनस का टू एक्स मल्टीप्लाई में, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई में माइनस का 2x और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यानी आप इसको कैसे लिखोगे dy वाई बाई डी एक्स खोलते हैं इसको इससे कट जाएगा कितना बचेगा x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस आएगा ऊपर भी x है x x क्या होगा एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स x डिवाइड में कितना होगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वेयर और पूरे के बटे में दो से पावर कट की कितना आएगा वन माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इस वाले पार्ट को एलसीएम ले लेते हैं क्लियर ना, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया ये माइनस माइनस प्लस आया एक्स 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 स्क्वेयर की मल्टीप्लाई में है साइन इनवर्स एक्स ये चीज़ क्या थी हमारी नीचे, तो हमारे पास एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा टेक द एलसीएम एलसीएम लेंगे तो एक्स अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास वन माइनस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वेयर तो है ही और आधी पावर ही है तो इसको लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया एक्स अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस क्या आया साइन इनवर्स एक्स माइनस में क्या आया एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स और प्लस में क्या आया एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में एक और आधी पावर कितनी हो जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर तीन बटा दो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों कैंसिल आउट बचा हुआ क्या हो जाएगा आपका आंसर। चेक करते हैं एक्स अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस साइन इनवर्स एक्स वन माइनस एक्स स्क्वेयर थ्री बाई टू आंसर इज करेक्ट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर सेकंड y इज इक्वल टू कोस इनवर्स a प्लस बी कोस x डिवाइड बाई b प्लस a कोस x। अब इसको करना है इस पार्ट को पहले कोस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और फिर उसके बाद u बाई v फंक्शन लगाना पड़ेगा हमें u बाई v के द्वारा तो उसी तरीके से करना पड़ेगा ये तो y का क्या होगा हमारे पास dy वाई बाई डी एक्स कोस इनवर्स का माइनस का वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर यानी a प्लस बी कोस एक्स बी प्लस ए कोस एक्स पूरे का होल स्क्वेयर क्लियर ये बात। उसके बाद u अपॉन v यानी b प्लस ए कोस एक्स पूरे का होल स्क्वेयर नीचे वाला पार्ट एज इट इज बी प्लस ए कोस एक्स
ऊपर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन, ए का जीरो, बी एच टीज, कोस का माइनस साइन, तो माइनस का हो जाएगा, कोस का क्या आएगा, माइनस साइन माइनस का, ऊपर वाला पार्ट एच टीज, ए प्लस का बी कोस एक्स, नीचे वाले पार्ट बी का जीरो, ए एच टीज, कोस का माइनस साइन, तो माइनस का साइन एक्स, क्लियर, ब्रैकेट बंद, डी वाई बाई डी एक्स। टेक द एलसीएम, लेंगे तो बी प्लस ए कोस यहाँ पे आएगा, बी प्लस ए कोस के नीचे आएगा, अंडर रूट है बाहर क्या आएगा, ओनली सिंगल पावर, वो सिंगल पावर में ऊपर भेज रहा हूँ, बी प्लस ए कोस एक्स, और नीचे क्या रहेगा अंडर रूट में, बी प्लस ए कोस एक्स पूरे का स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी कोस एक्स पूरे का स्क्वेयर, अंदर क्या बचता है हमारा, इसको खोलते हैं, माइनस का बी स्क्वेयर साइन एक्स माइनस का ए बी कोस एक्स साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर साइन एक्स प्लस ए बी कोस एक्स साइन एक्स, ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या हमारा, बी प्लस ए कोस एक्स पूरे का स्क्वेयर, तो नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल आउट, दो पावर से एक पावर कट गई हमारी, यानी हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, माइनस का वन अंडर द रूट ऑफ, ये सारे को खोल लेते हैं, आंसर चेक करते हैं, हाँ ये हमें सारा खोलना पड़ेगा भाई, चलो खोलते हैं अब इसको खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स प्लस टू ए बी कोस एक्स माइनस का, इधर लिख लेते हैं, माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर, इसको बोलते हैं माइनस का बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स माइनस का टू ए बी कोस एक्स, माइनस टू ए बी कोस एक्स माइनस टू ए बी कोस एक्स कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा हमारे पास, इस केस में साइन एक्स कॉमन लेते हैं, साइन एक्स जैसे आप कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, बी प्लस ए कोस एक्स, क्लियर। चलो अब इसको सोल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, कोस स्क्वेयर एक्स, वो भी माइनस का कॉमन ले लेते हैं, माइनस का कोस स्क्वेयर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ऊपर क्या हमारे पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स, दोबारा देख लें, इन दोनों में से क्या हुआ, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पे इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया, कोस स्क्वेयर एक्स कॉमन ले लिया, बचेगा क्या, माइनस का कोस स्क्वेयर एक्स, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन एक्स, और नीचे क्या है, बी प्लस ए कोस एक्स। अब इसमें से बाहर ले लेते हैं, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स, माइनस को अंदर भेजते हैं, यहाँ पे माइनस को भेजेंगे तो बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर साइन एक्स, कॉमन क्या लिया हमने, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ क्या बचेगा, वन माइनस का कोस स्क्वेयर एक्स, और क्या बचेगा, अंडर द रूट, क्लियर, और नीचे क्या बच रहा हमारा, बी प्लस ए कोस एक्स, क्लियर ये बात। अब अंडर रूट वन माइनस कोस स्क्वेयर एक्स बाहर क्या आएगा, हो गया ये क्वेश्चन सिंपल हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ पे क्या था आपका साइन एक्स, अंडर रूट में था तो बाहर क्या आएगा, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की पावर एक बटा दो, वन माइनस कोस स्क्वेयर एक्स बाहर क्या आएगा, साइन स्क्वेयर, साइन स्क्वेयर अंडर रूट में है तो बाहर क्या आएगा, ओनली साइन एक्स, और अंदर क्या था, बी प्लस ए कोस एक्स आपका अलग से था, साइन से साइन कट गया, इस आधी पावर से पावर कटेगी तो ऊपर क्या बच जाएगी, आधी पावर, नीचे आधी पावर, ऊपर एक पावर है, एक पावर है तो कटेगी, तो ऊपर कितनी बचेगी, आधी पावर, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और नीचे क्या बचा, बी प्लस ए कोस एक्स, दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकेंड पार्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट करते हैं अब, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी टेन एक्स डिवाइडेड बाई
बी माइनस ए टेन एक्स। तो इस केस में क्या करते हैं हम, ऊपर और नीचे दोनों पार्ट को डिवाइड करते हैं बी से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाई बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर डिवाइडेड बाई बी। तो ए बटा बी, बी बटा बी करें तो कट जाएगा, तो ये क्या आएगा टेन एक्स, बी बटा बी वन माइनस का ए बी टेन एक्स। क्लियर, अब ये फार्मूला बन रहा है, किस चीज़ का बन रहा है बताइए आप, ये क्या हमारा टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। अगर मैं ये लेट कर लूँ, लेट टेन ए मेरा क्या है ए बटा बी है, और टेन बी मेरा क्या है टेन एक्स है, तो टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी किसका फॉर्मूला होता है, ये टेन ए प्लस बी का ग्रुप प्लस जाएगा प्लस का, टेन ए प्लस बी का, टेन से टेन कैंसिल आउट, तो वाई मेरे पास क्या आया ए प्लस बी। लेकिन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा, मेरे पास टेन ए स्मॉल ए बाई बी माना था मैंने, तो ए क्या हो जाएगा टेन इनवर्स ए बाई बी। सिमिलरली बी मेरे पास क्या हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन इनवर्स उसे चला जाएगा। तो वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पे वाई, ए मेरे पास क्या है टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस बी मेरे पास क्या है टेन इनवर्स टेन एक्स, टेन से टेन कैंसिल आउट, तो वाई मेरे पास क्या आया टेन इनवर्स ए बाई बी प्लस का एक्स। तो वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये सारा क्या है क्योंकि हम वाई का डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें एक्स तो है ही नहीं, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन, तो जीरो प्लस वन वन। करिए ये बात, दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड का फोर्थ पार्ट, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसका। वन आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई हमारा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट नंबर फोर्थ, हमारे पास क्या है टेन इनवर्स एक्स साइन अल्फा वन माइनस का एक्स कोस अल्फा। क्लियर, ये हमारे पास है वन माइनस का एक्स कोस अल्फा। वाई इज इक्वल टू दिस एन टेन इनवर्स एक्स साइन अल्फा वन माइनस का एक्स कोस अल्फा, हमारे पास ये एक पार्ट दे रखा है। तो इसको करने आते का क्या है भाई, इसको सिंपली आप खुद करेंगे, सिंपल सी बात है, हमारा टेन इनवर्स क्या होता है वन बाई वन प्लस का एक्स स्क्वेयर होता है, फिर इसका क्या लगा देंगे यू अपॉन वी, सिंपली सोल्व हो जाएगा। क्या करके दिखाऊं मैं आपको, चलो कर देता हूँ। तो ये क्वेश्चन भी मैं वाई का क्या है भाई डी वाई बाई डी एक्स, टेन इनवर्स क्या होता है वन बाई वन प्लस का एक्स स्क्वेयर, यानी एक्स साइन अल्फा वन माइनस एक्स कोस अल्फा पूरे का स्क्वेयर, यू अपॉन वी वन माइनस एक्स कोस अल्फा पूरे का स्क्वेयर वन माइनस का एक्स कोस अल्फा एज इट इज। ऊपर वाले डेरिवेटिव साइन अल्फा क्या कॉन्स्टेंट, एक्स का क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ पे क्या आएगा ओनली साइन अल्फा माइनस ऊपर वाला एज इट इज एक्स साइन अल्फा, नीचे वाले डेरिवेटिव वन का जीरो एक्स का वन, और कोस अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट, क्योंकि अल्फा है कोस अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट, तो कोस अल्फा खोल देते हैं भाई, यानी डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम लेके ऊपर जाएगा वन माइनस एक्स कोस अल्फा पूरे का स्क्वेयर, नीचे क्या आएगा वन माइनस एक्स कोस अल्फा स्क्वेयर प्लस एक्स साइन अल्फा स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आएगा भाई साइन अल्फा माइनस एक्स कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस माइनस प्लस एक्स साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइड बाई वन माइनस एक्स कोस अल्फा पूरे का स्क्वेयर, ये वैल्यू, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, इसकी पावर भी दो कैंसिल आउट, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आया ओनली साइन अल्फा, नीचे ए घटा बी का स्क्वेयर वन स्क्वेयर एवं मैक्स स्क्वेयर कोस स्क्वेयर अल्फा माइनस का टू एक्स कोस अल्फा प्लस का एक्स स्क्वेयर साइन स्क्वेयर अल्फा। इसको सोल्व करते हैं आगे, डी वाई बाई डी एक्स साइन अल्फा वन प्लस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लेते हैं इसमें से और इसमें से, क्या आएगा कोस स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस टू एक्स कोस अल्फा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा हमारे पास साइन अल्फा
वन प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना वन, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कोस अल्फा, तो यही हमारा आंसर है, साइन अल्फा वन प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स कोस अल्फा, दिस इज आवर आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ पार्ट. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड फिफ्थ पार्ट. वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स थ्री कोस एक्स माइनस फोर साइन एक्स डिवाइडेड बाई फाइव. तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, एक बार तो फाइव को इसके नीचे लेके जाते हैं, एक बार फाइव को इसके नीचे लेके जाते हैं और इसको सोल्व करते हैं दूसरे पेज के ऊपर. चलिए करते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, तो एक बार उसके नीचे पाँच, तो तीन बटे पाँच, तीन बटे पाँच कोस एक्स, एक बार उसके नीचे चार बटे पाँच साइन एक्स. क्लियर ना, अगर मैं कोई ट्रेंगल बनाऊँ, अगर मैं कोई ट्रेंगल बनाऊँ तो बेस बटे हाइपोटेन्यूज क्या होता है, तीन बटे पाँच और चार, और ये मैं एंगल आपका अल्फ़ा ले लूँ ए बी सी, तो इसके अंदर कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आती है तीन बटा पाँच, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आती है चार बटा पाँच. तो इन वैल्यूज़ की जगह ये वैल्यू चेंज करके रखते हैं, यानी हमारे पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स तीन बटे पाँच की जगह रख दूँ कोस अल्फा कोस एक्स माइनस चार बटे पाँच की जगह साइन अल्फा साइन एक्स. तो फॉर्मूला क्या बना, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता है कोस ए प्लस बी कोस ए प्लस बी अल्फा प्लस एक्स. कोस से कोस कट गया, वाई की वैल्यू कितनी आती है अल्फा प्लस एक्स. अब अल्फा की वैल्यू रख दो, कौन सी भी आपकी मर्जी है, कॉन्स्टेंट कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मान लिया अल्फा की वैल्यू ऐसी क्या आएगी, कोस इनवर्स तीन बटा पाँच, कोस इनवर्स तीन बटा पाँच, और नीचे से क्या आती है साइन इनवर्स चार बटा पाँच. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डेरीवेटिव करेंगे तो कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव क्या होता है जीरो, तो इसका डेरिवेटिव जीरो प्लस एक्स का वन, तो वैल्यू कितनी आई वन, वन क्या हो गया हमारा आंसर. ये था हमारा थर्ड का फिफ्थ पार्ट, चेक करते हैं थर्ड का फिफ्थ पार्ट वन आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, थर्ड का लास्ट पार्ट है हमारा. वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स थ्री एक्स प्लस फोर अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई फाइव, डिवाइडेड बाई फाइव. तो पुट करते हैं हम यहाँ पे, पुट एक्स को मैं अगर मैं क्या मान लूँ कोस थीटा, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे कोस इनवर्स थ्री, ये क्या हमारा कोस थीटा प्लस फोर, ये क्या है वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई फाइव. तो मेरे पास वाई क्या आया कोस इनवर्स थ्री बाई फाइव कोस थीटा प्लस फोर बाई फाइव, वन माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और बाहर क्या आएगा साइन थीटा. फिर से वो पिछले वाला काम सेम, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी तीन पाँच चार, ये एंगल क्या है अल्फा, तो कोस अल्फा कितना है तीन बटे पाँच, और साइन अल्फा कितना है चार बटे पाँच, और इन वैल्यू को पुट करते हैं पिछले वाले इक्वेशन में. तो हमारे पास वाई क्या आया, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स तीन बटे पाँच की वैल्यू क्या है कोस अल्फा, कोस अल्फा कोस थीटा प्लस चार बटे पाँच की वैल्यू कितनी है साइन अल्फा, साइन अल्फा साइन थीटा. क्लियर ये वैल्यूज, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है कोस ए माइनस बी, याद रखना कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी तो होता है कोस ए माइनस बी, अगर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी हो तो क्या होता है कोस ए प्लस बी, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, रिवर्स होता है. तो कोस से कोस कैंसिल आउट, वाई इज इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा, अल्फा की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे, फिर से अल्फा क्या है कॉन्स्टेंट, कोई भी वैल्यू पुट कर दो, मान लें क्या रख दें अल्फा की वैल्यू यहाँ से कोस इनवर्स तीन बटा पाँच, कोस इनवर्स तीन बटा पाँच या साइन इनवर्स चार बटा पाँच, आपकी मर्जी है कोई भी रख दो थीटा. अब थीटा की वैल्यू भी रखनी है, पीछे रखी थी हमने थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या हमारे पास, थीटा क्या माना था हमने एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा, तो हमारे पास जो थीटा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, थीटा क्या हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, उसका उल्टा हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम कोस इनवर्स एक्स, तो वाई का डेरिवेटिव क्या होता है हमारा डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट है कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, माइनस कोस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस का वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर. अब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा माइनस माइनस प्लस वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का
एक्स स्क्वेयर। चेक योर आंसर। थर्ड का सिक्स पार्ट, वन बाई अंडर द रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वेयर। दिस इज द आंसर ऑफ लास्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वी विल डिस्कस अबाउट इन टू द नेक्स्ट वन लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।